जगदीश, तो रोमांटिक जगह है ये, है ना? हाँ, काश हमारा यहाँ पे एक घर हो जिसमें सिर्फ तुम और मैं ही रहूं। कहा था ना मैंने सरप्राइज। चलो और दूसरी जगह चलते हैं। लेकिन जगदीश, वो सब तो ठीक है, हम लोग ऐसे छिप छिप के और कितना दिन तक मिलते रहेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम भैया से मेरा हाथ कब मांगोगे? मुझे यार तुम्हारे भैया से मुझे बहुत डर लगता है, कहीं इस गुस्ताखे के लिए वो मेरी टांगे ना तोड़ दें। टांगों का ख्याल तब नहीं आया जब तुमने कॉलेज में सबके सामने मुझे प्रपोज किया था? यार तब मुझे थोड़ी ना पता होता कि तुम्हारे भैया मार्शल आर्ट चैंपियन है। ये भैया का बहाना क्यों दे रहे हो? सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते? क्या कह रही हो पूजा, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं कुछ करता हूँ। कुछ करता हूँ सुन के 2 साल बीत गए। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे धोखा दे रहे हो? क्या कह रही हो पूजा? सही कह रही हूँ मैं, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो। पूजा, पूजा, अरे मेरी जिंदगी में कोई और होता तो मैं उसके साथ आता यार। पूजा देखो, तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं इस तालाब में। किसने फोन किया था? सर मैंने किया था। कहाँ पे लाश? वो रही लाश। देखिए पूरी लाश मिट्टी में लिपटी हुई है। ये तो चॉकलेट है। क्या चॉकलेट? पूरी बॉडी पे चॉकलेट लगी हुई। बहुत ही अजीब सा केस है सर, कोई खून करने के बाद लाश पर इतनी सारी चॉकलेट क्यों डालेगा? नहीं तो एक काम करो, जरा आसपास चेक करो, ये देखो कोई हथियार, कोई खूनी के निशान मिलते हैं क्या? सर चॉकलेट, ये सारी चॉकलेट आई कहां से होगी? पूरी बॉडी ढकी हुई है, यहां तक कि चेहरा भी नहीं दिख रहा है। सर इस तरह तो हम ये भी नहीं देख पाएंगे कि बॉडी पर चोट या जख्म के निशान कहां पर है। सर मैं बॉडी को धुलवाने का इंतजाम करूं? नहीं नहीं रखा, चॉकलेट के साथ साथ कोई सबूत ना धुल जाए। ये काम डॉक्टर सालुंके के ऊपर ही डाल देते हैं, वही अच्छा रहेगा। सर आसपास अच्छी तरह से देख लिया, ना ही कोई हथियार मिला और ना ही खून के निशान। नहीं सर वहां भी कुछ नहीं मिला। मतलब खून कहीं और किया गया है और लाश यहाँ पे लाके डाल दी। तो आप इन्हें यहाँ पे शादी के लिए प्रपोज करने के लिए लाए थे? यस सर। यही जगह मिली थी आपको? क्या मतलब सर? मतलब ऐसे काम के लिए लोग अक्सर कैंडललाइट डिनर पे जाते हैं, किसी रोमांटिक खूबसूरत यादगार जगह पे जाते हैं, और आप यहाँ? ये जगह सर मुझे अच्छी लगती है। अच्छी जगह लगती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लाश के बारे में आपको पता था इसलिए आप यहाँ पर आए? सर ये आप क्या कह रहे हैं? जगदीश का इस लाश से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना हो सकता है मैडम, हो सकता है जगदीश ने ये लाश यहाँ रखी हो, उसके बाद तुम्हें यहाँ बुलाने का ड्रामा किया और उसके बाद सीआईडी को बुलाया हो ताकि किसी को इस पर शक ना हो। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर, बल्कि सर मुझे ये तक पता नहीं कि ये लाश है किस लड़के की। सर ठीक है, आप अपना एड्रेस और नंबर हमें लिखा दीजिए। विनीत, नंबर ले लो इनका। एक बार लाश फॉरेंसिक लैब पहुंच जाए तो पता चल जाएगा कि लाश है किसकी। खूनी बड़ा सरफिरा होगा, खून करने के बाद लड़की को चॉकलेट से नहला दिया। बॉस, बॉडी क्लीन तो हो गई है, अब इसे चेक करने के लिए टेबल पे ले लेते हैं। इस लड़की के पूरे शरीर पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं है, ना कोई गोली का, ना कोई चाकू का, ना कोई खरोच का, कोई निशान नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? चाकू या गोली लगने का कुछ तो निशान होगा। बस मैंने अच्छी तरह से चेक किया, कोई निशान नहीं है किसी किस्म का, ना कोई चोट का निशान है, ना गला घोटने का कोई निशान। तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? इसकी बॉडी में इतनी ज्यादा मात्रा में चॉकलेट लगी हुई थी कि ये देखिए नाक के अंदर तक घुसी हुई थी। चॉकलेट नाक के अंदर घुस गई है? सर कहीं इसे चॉकलेट में डुबो के तो नहीं मारा गया? चॉकलेट में डुबो के मारा? चॉकलेट की नदियों के बारे में मैंने परी कथाओं में सुना था, ऐसा सचमुच होता है क्या? दया तुम ठीक करो, बस ऐसा हो सकता है, हो सकता है इसे चॉकलेट में डुबोया गया हो, उसकी वजह से इसका दम घुट गया हो। सांखे, अगर इस बेचारी को चॉकलेट में डुबो के मारा है तो हो सकता है चॉकलेट इसके फेफड़ों में भी गया होगा। तू जरा चेक करके देखना। देखता हूं। तारिका, आप लोगों का अंदाजा बिल्कुल सही निकला, इसके फेफड़े पूरी तरह से चॉकलेट से भरे हुए हैं। मतलब खूनी ने इस केस में चॉकलेट को अपना हथियार बनाया। हाँ, चॉकलेट को हथियार बनाया, चॉकलेट में डुबो के मारा है उस लड़की को, चॉकलेट में डुबो के। लेकिन एक बात सोचो रजत, एक 5 फुट 3 इंच लड़की को चॉकलेट में डुबो के मारने के लिए कितना सारा चॉकलेट लगेगा? कितना? काफी ज्यादा मात्रा सर, इतनी चॉकलेट होगी वहां जितनी कोई आम आदमी अपने घर पर तो नहीं रख सकता। एग्जैक्टली ये खून घर पर नहीं हुआ, किसी ऐसी जगह पे हुआ है जहां पर बहुत सा चॉकलेट का स्टॉक रखा जाता है। मतलब सर किसी बेकरी या चॉकलेट की दुकान में नहीं? पूर्वी, किसी बेकरी या चॉकलेट की दुकान नहीं हो सकती। मैंने कहा ना, किसी ऐसी जगह जहाँ पर चॉकलेट का बहुत सारा स्टॉक रखा जाता है, कोई गोडाउन या फिर किसी चॉकलेट की फैक्ट्री में। चॉकलेट की फैक्ट्री में? हाँ फ्रेडी, चॉकलेट की फैक्ट्री में। चॉकलेट की फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें होती है चॉकलेट पिघलाने के लिए। चॉकलेट पिघलाने के लिए। ये देखो, यह है चॉकलेट पिघलाने की मशीन, और ऐसे ही मशीन में उस लड़की को डुबो के मारा है। मगर सर, शहर में तो कई सारी चॉकलेट की फैक्ट्रियां हैं, तो इस लड़की को जिस फैक्ट्री में मारा है वहां तक पहुंचेंगे कैसे? उस चॉकलेट के जरिए। अगर हमें यह पता चल जाए कि वो लड़की जिस चॉकलेट में डूब के मरी थी वो किस किस्म की चॉकलेट थी, तो हम सिर्फ उन चॉकलेट फैक्ट्रीज को टारगेट कर सकते हैं जहां पे उस किस्म की चॉकलेट बनाई जाती है। बिल्कुल सही कहा दया, बिल्कुल सही। बस उस लड़की को किस किस्म के चॉकलेट में डुबो के मारा है ये तो अब एक चॉकलेट एक्सपर्ट ही बताएगा। ये रेमो जी की तो पांचों उंगलियां हर वक्त चॉकलेट में डूबी रहती है। बड़ा मजा आता होगा नहीं सर? आपको पता है जब मैं छोटा था मुझे चॉकलेट खाने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे। महीने में एक चॉकलेट खाने देते थे बस। अच्छा, सोचा था बड़ा होकर चॉकलेट की दुकान ही खोल दूंगा और जितना जी में आएगा उतनी चॉकलेट खाऊंगा। लेकिन तुम बन गए एक CID ऑफिसर, और इस वक्त एक चॉकलेट एक्सपर्ट के ऑफिस में हो, वो भी खून के सिलसिले में। हाँ सर, वक्त का पहिया शायद ऐसे ही चलता है। आपके अतीत को कब आपके सामने लाकर खड़ा कर दे कुछ पता ही नहीं चलता। एक मिनट, थोड़ा भारी हो गया भाई। तुम्हारी चॉकलेट स्टोरी क्या है? चॉकलेट स्टोरी? हाँ, अभी नीत ने अपनी चॉकलेट स्टोरी सुनाई ना। तुम तो लड़की हो तो तुम्हारी तो कोई स्टोरी होगी। सर, एक बार मुझे मेरे कॉलेज में चॉकलेट डे पर किसने 2000 चॉकलेट्स दी थी और मुझे चॉकलेट क्वीन बना दिया था। 2000 चॉकलेट्स? भाई तब तो कोई स्पेशल फ्रेंड होगा। सर, मेरी तरफ से तो दोस्त था, पर उसकी तरफ से दिल टूट गया होगा बेचारे का। वो सब तो ठीक है सर, आपकी चॉकलेट स्टोरी क्या है? एक सेकंड, रेमो जी आ गए, मेरी चॉकलेट स्टोरी बाद में। सॉरी, आप लोगों को ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? जी बिल्कुल नहीं। आपने उस चॉकलेट को टेस्ट कर लिया? यस, ये चॉकलेट गुयाना में पाए जाने वाले बीन से बनी हुई है। गुयाना में? वहाँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट बीन्स मिलती हैं। राइट। हाँ, एक बात और, इस चॉकलेट में मुझे मिंट और सेफ्रॉन भी मिला है, जिसे चॉकलेट में डालने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फिर तो ऐसी चॉकलेट्स हर फैक्ट्री में नहीं बनती होंगी, 2-4 फैक्ट्रीज ही होंगी। बिल्कुल सही, ऐसी कंपनी ज्यादा नहीं है। जितनी भी हैं उनकी लिस्ट मिल सकती है? श्योर। यस ऑफिसर, ये लीजिए लिस्ट। कुल 5 फैक्ट्रीज हैं जिनमें इस किस्म की चॉकलेट बनाई जाती है। खून इन्हीं में से किसी फैक्ट्री में हुआ। सब आगे की 4 चॉकलेट फैक्ट्रीज तो देख ली, अब बस ये आखिरी वाली बची। हर्षा चॉकलेट फैक्ट्री, शायद खून यहीं पे हुआ हो। आप लोग? हम लोग CID से हैं। CID? क्या बात है सर? बात तो थोड़ी सीरियस है। आप जरा ये चॉकलेट का सैंपल देखिए। ये आपकी कंपनी का है? हाँ सर, ये हमारी कंपनी का चॉकलेट है। पर बात क्या है सर? जानते हो हमें ये चॉकलेट कहाँ से मिली? कहाँ से मिली सर? जंगल से, एक लड़की की लाश के ऊपर से। लाश? जी हाँ, इस लड़की की लाश पर से। आप पहचानते हैं इसे? हाँ, ये तो 20 तारीख को हमारे आई थी कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स के साथ। 20 तारीख को बाकी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे? हाँ, ये MBA स्टूडेंट्स थे और फील्ड ट्रिप के लिए यहाँ पर आए थे। इसका नाम शायद रक्षंदा है। रक्षंदा? 20 तारीख को आए हुए एक एक स्टूडेंट का नाम याद है आपको? नहीं सर, सबका नाम याद नहीं है, लेकिन इसका नाम याद है सर। इसका एक लड़की के साथ बहुत झगड़ा हो रहा था उस दिन से। अच्छा, और किस बात पे हो रहा था ये झगड़ा उनका? सर वो तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन थोड़ी देर में टीचर ने आके इन दोनों को डांटा और चुप करा दिया सर। लेकिन सर ये लड़की मरी कैसे सर? उसी का पता लगा रहे हैं हम लोग। आप जरा अपना प्रोडक्शन यूनिट दिखाइए जहाँ पे चॉकलेट बनाते हैं आप लोग। आइए सर। सर यहाँ से सर ये है। तो इसमें आप लोग अपनी चॉकलेट पिघलाते हैं है? जी हाँ सर, इसका वजन 400 किलो है और इसे स्पेशली स्विट्जरलैंड से मंगाया गया सर। रेडी, चेक कर लो। सुरेश मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इंस्पेक्शन करते वक्त यहाँ पे किसी को मत लाया करो। सीआईडी की गिनती हर किसी में नहीं होती मिस्टर। सर ये मिस्टर कुणाल हैं, इंस्पेक्शन ऑफिसर हैं सर। ये यहाँ पर जांच पड़ताल करने आए हैं सर। सीआईडी चॉकलेट की तहकीकात कब से करने लगी? तब से जब से लाशों को चॉकलेट मिक्सर में डुबोने का फैशन शुरू हो गया। चॉकलेट मिक्सर में लाश? हाँ। गुड आफ्टरनून ऑफिसर, मैं यश कुमार, इस कंपनी का मालिक। मिस्टर यश, हमेशा कि आपकी इस फैक्ट्री में एक लड़की का खून किया गया है और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आपकी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। व्हाट? लेकिन ऑफिसर इससे मुझे लाखों का नुकसान हो जाएगा। आपके लाखों के नुकसान से ज्यादा इस लड़की की जान की कीमत है, समझे? पहचानते हैं इसे? नहीं तो कौन है ये? सर ये जेके एमबीए कॉलेज की स्टूडेंट है सर। सर आपको याद होगा 20 तारीख को हमारे यहाँ आई थी फील्ड ट्रिप के लिए। या हाँ। लेकिन उस दिन तो मैं शायद जल्दी निकल गया था। कहाँ गए थे आप? दरअसल जयपुर में एक चॉकलेट फैक्ट्री खोलने की सोच रहा हूँ, उसी सिलसिले में जयपुर निकल गया था। ये देखिए सर मुझे क्या मिला है। चॉकलेट के मिक्सर में से लड़की के बालों का गुच्छा। ये बाल मिक्सर में था? हाँ सर। मिस्टर यश, ऐसा चॉकलेट खिलाओगे आप लोगों को? इतने अनहाइजीनिक कंडीशन में बनती है तुम्हारी चॉकलेट, तुम्हारी फैक्ट्री बंद करानी पड़ेगी। देखिए जरूर को गलतफहमी हुई, हम यहाँ बहुत सावधानी से काम करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया ये बाल इस मशीन में कैसे आया। हम बताते हैं, ये बाल शायद इस लड़की रक्षांदा का है। जब खूनी रक्षांदा को इस चॉकलेट मिक्सर में डुबो के मार रहा था तब शायद ये बाल यहाँ रह गया। इट्स इम्पॉसिबल सर, हम यहाँ बड़ी टाइट सिक्योरिटी में काम करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का खून यहाँ हो। आई एम श्योर। सिक्योरिटी में कौन था 20 तारीख को? सर उस दिन सिक्योरिटी में बबलू था। बुला बबलू को। सर वो छुट्टी पे चला गया सर। वो तो होना ही था। सॉरी मिस्टर यश, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आपकी फैक्ट्री में ताला लगेगा। सर जिस दिन रक्षांदा का खून हुआ उस दिन से गार्ड छुट्टी पे है सर। उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है और घर पे ताला लगा है। मुझे तो लगता है इस रक्षांदा के खून के साथ उस चॉकलेट फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड का कोई ना कोई संबंध जरूर है। मगर सर रक्षांदा की एक सिक्योरिटी गार्ड से क्या दुश्मनी हो सकती है? फ्रेडी, रक्षांदा अक्सर उस चॉकलेट फैक्ट्री में जाया करती थी अपने मैनेजमेंट स्टडीज के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सिलसिले में। महीने में 1-2 बार तो जाती थी, तो हो सकता है उस दौरान उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसकी कोई अनबन हुई होगी। हाँ सर, और शायद ये भी हो सकता है कि असली खूनी कोई और हो और ये गार्ड उसकी मदद कर रहा हो। रक्षांदा को मिक्सर में डालने में और फिर उसकी लाश को जंगल में उस तालाब के किनारे फेंकने में। सर अब सालोंके की रिपोर्ट आ गई है। जो बाल हमें उस चॉकलेट मिक्सर में मिला था वो रक्षांदा का ही है। तो इसका मतलब है रक्षांदा का खून उस हर्षा चॉकलेट फैक्ट्री में ही हुआ है। मगर उस फैक्ट्री का मैनेजर बता रहा था ना किसी लड़की के बारे में। रक्षांदा की उस लड़की के साथ बहस हुई थी। क्या नाम है उस लड़की का? सर उसका नाम जूही। उसकी कॉलेज से उसकी डिटेल्स मिल गई। जूही से मिलने का वक्त आ गया है। हाँ ये बात सच है कि उस दिन मेरी रक्षांदा के साथ तू मैं हुई थी, पर सर कॉलेज में तो अक्सर ऐसा होता है। लेकिन अक्सर खून नहीं किए जाते जूही जी। रक्षांदा के बारे में ऐसी कौन सी बात थी जो आपके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी? यश। कौन यश? वही हर्षा चॉकलेट फैक्ट्री का मालिक। यश कुमार? लेकिन उसका आप दोनों के झगड़े से क्या लेने देना? सर वही तो सारे झगड़े की जड़ था। उसने मुझसे प्यार के वादे किए, साथ जीने मरने की कस्में खाई, पर फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो मेरे पीठ पीछे रक्षांदा को लव लेटर्स भेज रहा है। मतलब ये खून प्यार के चक्कर में हुआ है? मुझे नहीं पता सर, मैं तो उस दिन भी सिर्फ रक्षांदा को यश की सच्चाई बताना चाहती थी, पर वो अचानक मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगी। और इसलिए तुमने उसको रास्ते से हटा दिया ताकि तुम्हारे और यश के बीच की दीवार गिर जाए? नहीं, मैंने रक्षांदा को नहीं मारा सर। जिस इंसान ने मेरा दिल तोड़ा, मेरे विश्वास के साथ खेला, भला उस इंसान के लिए मैं किसी का मर्डर क्यों करूंगी? और एक रक्षांदा को मार भी दूं तो कल 10 रक्षांदा आके खड़ी हो जाएंगी, तो क्या मैं उन सबको मारती फिरूंगी? अगर यश रक्षांदा को जानता था तो उस दिन उसने कुछ बोला क्यों नहीं? कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहा है। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि प्यार जैसी खूबसूरत चीज के लिए कोई किसी का खून कैसे कर सकता है? प्यार का मतलब तो होता है कविताएं, लाल गुलाब के फूल, चॉकलेट। और उसी चॉकलेट से खून हो गया रक्षांदा का, वो भी यश जिससे वो प्यार करती थी, उसी की फैक्ट्री में। और सर यश एक साथ 2 लड़कियों को धोखा दे रहा था, रक्षांदा को भी और जूही को भी। धोखा सिर्फ उन दोनों को ही नहीं, हमें भी दिया है। चॉकलेट फैक्ट्री में मुंह पे ताला लगा के खड़ा था, भनक तक नहीं लगने दी उसने कि रक्षांदा उसकी दोस्त थी। सर आ दे, इस यश ने एयरलाइंस वालों को भी धोखा दिया था सर। एयरलाइंस को भी? हाँ सर, उसने हमसे कहा था कि वो 20 तारीख को शहर में था ही नहीं, जयपुर गया था। मगर एयरलाइंस वालों को कहना है कि उसने बोर्डिंग पास तो लिया था मगर वो प्लेन में चढ़ा ही नहीं। बोर्डिंग पास लिया मगर प्लेन में बैठा ही नहीं, तो कहीं ये रक्षांदा को मारने के प्लान का हिस्सा तो नहीं था? सच क्या है साफ साफ बता दो, सीआईडी से दूसरी बार झूठ बोला तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। नहीं सर, मैं इस बार सब सच बताता हूँ आपको। बता। वो सर रक्षांदा ही मेरी गर्लफ्रेंड थी, और जब मेरे घरवालों को ये मालूम पड़ा तो उन्होंने इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार कर दिया, और इसीलिए ताकि मैं रक्षांदा के साथ कुछ अच्छा समय गुजार सकूं, मैंने अपने पापा से झूठ बोला कि मैं बाहर जा रहा हूं, जयपुर जा रहा हूं किसी बिजनेस के सिलसिले में। वो टिकट तुमने अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए खरीदी थी? हाँ सर। रक्षांदा से प्यार करते थे और घर वालों के सामने उसका हाथ थामने की हिम्मत नहीं थी तुम, हैं? सर मैंने आपसे कहा ना, मेरे घर वाले इस रिश्ते को बिल्कुल मंजूर नहीं कर रहे थे, और मेरे पापा ने मुझे चेतावनी दी थी कि अगर मैं रक्षांदा को इस घर की बहू बनाकर लेकर आया तो वो मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे सर। अच्छा, जब रक्षांदा का खून हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? उस वक्त हाँ सर, उस वक्त मैं रॉकेट डिस्को में पार्टी कर रहा था सर, और रक्षांदा भी वहीं आने वाली थी, हम लोग शाम को मिलने वाले थे, लेकिन रक्षांदा आई नहीं, और मुझे नहीं मालूम था कि मेरी फैक्ट्री में रक्षांदा का। तुम रक्षांदा से प्यार करते थे तो फिर ये जूही का जो चक्कर है ये सब क्या था? सर जूही सिर्फ मेरा अतीत है, मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैंने उससे प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने मेरा प्यार ठुकरा दिया था, फिर मुझे रक्षांदा से प्यार हो गया। लेकिन जूही ये सब देखकर जलने लगी सर, उसे हम दोनों की खुशी देखी नहीं जा रही थी सर, यहाँ तक कि उसने मुझे ये भी कहा था कि मैं रक्षांदा का साथ छोड़ दूँ, लेकिन मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया सर। क्या लगता है तुम्हें रक्षांदा के खून में जूही का हाथ हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल सर, बड़ी नकचढ़ी लड़की है वो, उसने मुझे धमकी भी दी थी कि जो चीज उसकी नहीं हो पाती वो किसी और की भी नहीं होने देती सर। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में रक्षांदा का बर्ताव कैसा था? किसी बात को लेकर परेशान थी वो? हाँ सर, वो श्रम को लेकर काफी परेशान तो थी वो। श्रम? ये श्रम क्या है? एक एनजीओ सर, जो कैंसर से पीड़ित मरीजों की सेवा करता है और उनके इलाज में उनकी मदद करता है सर। श्रम एनजीओ? सर मुझे लगता है रक्षांदा का खून यश नहीं किया है, अगर कोई और खूनी होता तो उसे कहीं भी मार सकता था। पर रक्षंदा को मारा गया चॉकलेट के मिक्सर में डुबो के, और चॉकलेट फैक्ट्री यश की है। ये सब तो उसके लिए बहुत आसान होगा। तुम्हारी बात में लॉजिक है पूर्वी, लेकिन अक्सर ऐसे खून किसी को फंसाने के लिए किए जाते हैं। हो सकता है यश का कोई दुश्मन हो जो उसे फंसाना चाहता हो, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर उसने यश की ही फैक्ट्री में रक्षंदा को मार डाला। हाँ सर, मगर झूठ बोलकर यश ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब जब तक असली कातिल नहीं पकड़ा जाता, शक की सुई उसी पर टिकी रहेगी। हाँ श्रेया, अच्छा तुमने पता किया कि यश रॉकी डिस्को में ही था? ठीक है, थैंक्स सर। श्रेया का फोन था सर, वो कह रहे थे कि 20 तारीख की शाम को यश रॉकी डिस्को में ही था। इस बार उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने तो हमें ये भी बताया था ना कि रक्षंदा श्रम नाम की एनजीओ को लेकर परेशान रहने लगी थी। यस सर। तो हो सकता है कि रक्षंदा की मौत की वजह श्रम एनजीओ से ही जुड़ी हुई है। क्या रक्षंदा का खून हो गया? मगर क्यों? खून क्यों हुआ और किसने किया, उसी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। रक्षंदा बहुत प्यारी बच्ची थी, औरों के दुख को तो वो अपना दुख समझती थी। किसी से कोई लड़ाई या झगड़ा था उसका? बिल्कुल नहीं। पर हमें पता चला है कि कुछ दिनों से वो इस एनजीओ को लेकर काफी परेशान थी, तो आपको तो इस परेशानी की वजह पता होगी ही ना? आप सब जानते हैं हमारी एनजीओ जो है कैंसर के मरीजों के इलाज में योगदान देती है। ऐसे ही 4 मरीजों का ख्याल रखती थी रक्षंदा, पर अफसोस की बात है उनमें से 3 की मौत हो गई। बस इसलिए वो उदास रहती थी, मायूस रहती थी। 3 मरीजों की मौत हो गई, चौथा मरीज कौन है? लज्जो। लज्जो सर, ये लज्जो तो अपने घर पर मिली नहीं। उसका पड़ोसी बता रहा था ना कि मार्केट गई है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तब तक सर खीरा खाएंगे? खीरा? हाँ सर। ले आओ, चल ले आओ, सेहत के लिए तो अच्छी चीज है ही है। सर इस केस में समझ में नहीं आ रहा सर, शक करें तो किस पर शक करें? सर यश पर नहीं, यश तो रॉकी डिस्को में था ना जब खून हुआ। सर हो सकता है यश ने किसी को भेजा हो रक्षंदा का खून करने के लिए, शायद उस सिक्योरिटी गार्ड को। हो सकता है। लज्जो, ये कार वाला पागल हो गया क्या? JPX 939. Excuse me. Excuse me, please. सर सांस चल रही है सर। सांस चल रही? एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सर ये आखिरी कड़ी है जो हमें उस खूनी तक पहुंचा सकती है। वो जो एनजीओ आश्रम जहाँ के 4 पेशेंट्स का रक्षंदा ध्यान रखती थी ना, उन 4 पेशेंट्स के डिटेल निकालो। HAPX 939। जानबूझ के उड़ाया लज्जो को दया, जानबूझ कर उड़ाया। खूनी जानता था कि हम लज्जो से मिलने जाने वाले थे, और इससे पहले कि हम उसके पास जाएं, उसने लज्जो को उड़ा दिया गाड़ी से। मतलब सर ये लज्जो खूनी को जानती है? उसका जरूर कुछ ना कुछ संबंध तो था इस केस से। वो कुछ ऐसा जानती थी जिससे खूनी की जान को खतरा हो सकता था। सर लज्जो की हालत कैसी है? सर डॉक्टर से जान तो बचा लिए, मगर फिलहाल वो बेहोश है और कह रहे हैं कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उसे अकेले तो नहीं छोड़ा है? नहीं सर। इस बेचारी को गाड़ी से उड़ाया उसने, गाड़ी से उड़ाया और गायब हो गया। लेकिन कहां छुप कर बैठेगा, कहां छुप कर बैठेगा ये? इसे तो हम पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे, पाताल से भी। सर मैं उस एनजीओ से आ रहा हूं, श्रम से, जिससे रक्षंदा जुड़ी हुई थी। कुछ सुराग मिला? कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता चली सर। क्या? सर ये 4 स्किन कैंसर के पेशेंट के घर आसपास थे, उसी शांति नगर इलाके में जहां हर्षा चॉकलेट फैक्ट्री है। क्या सर? ये हेदर स्नोडिन तो बहुत ही भयानक बीमारी है सर। हजारों लोगों में से किसी एक इंसान को बीमारी होती है, मगर इस शांति नगर जैसे छोटे से इलाके में 4 लोगों को ये बीमारी थी सर। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इनमें से जो तीसरी मरीज थी इंदू, उसकी 1 महीने पहले मौत हो गई, ऐसे ही एक रोड एक्सीडेंट। नहीं 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 रजत, वो एक्सीडेंट नहीं, इंदु का भी खून हुआ है, खून। मगर सर वो बेचारे तो वैसे ही उस बीमारी से पीड़ित थे, उन्हें मार के किसी को क्या मिलता? बड़ी लगता है ये बीमारी इस खूनी के गले का फंदा बन गई है। और एक बात सर, इन चारों मरीजों के इलाज का खर्चा टायरो नाम की एक केमिकल कंपनी उठा रही थी। टायरो नाम की केमिकल कंपनी? कहीं ये चारों उस कंपनी में काम तो नहीं करते थे? नहीं फेडी, इन चारों का उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर क्यों क्यों ये टायरो कंपनी इन चारों मरीजों का इलाज कर रही है? क्यों? एड्रेस क्या है इस टायरो कंपनी का? सर टायरो कंपनी भी शांति नगर में ही है। ओह, ये तो बहुत ही तगड़ा इत्तेफाक है सर। चारों मरीज शांति नगर में, चॉकलेट फैक्ट्री शांति नगर में, और तो और ये टायरो कंपनी भी शांति नगर में ही है। वही तो, शांति नगर, शांति नगर। नालायक, 80,000 रुपए पर मंथ सैलरी पर तुम्हें इसलिए नहीं रखा है कि तुम सीआईडी को मेरा पता बताओ। तुम्हें कुछ खिला पिला करके केस वहीं पे क्यों नहीं दबा दिया? कोशिश तो बहुत की आपके मैनेजर ने हमें खिलाने पिलाने की, पर क्या करें, बेईमानी की चॉकलेट सीआईडी को हजम नहीं होती। चॉकलेट और टॉफी तो बच्चे खाते हैं सर, हम तो आपको दौलत की शराब में नहलाना चाहते हैं। एक मिनट, क्यों, ठीक है ना? अब तो हमारी दोस्ती पक्की? हाँ बिल्कुल। अब हमारी बारी है आपको भी दोस्ती का तोहफा देने की। नहीं, उसकी क्या जरूरत है? नहीं। जरूरत तो है गौरव जी, क्या एक दोस्त का कर्तव्य होता है कि अपने दूसरे दोस्त को सही राह पे लाए। अब आपने हमें दोस्त बोल दिया है तो तोहफा तो लेना ही पड़ेगा। दया जी, हाँ चलिए चलिए। मिल गया तोहफा। गलती हो गई सर, आगे से रिश्वत देना तो दूर, रिश्वत का नाम भी जुबान पर नहीं लाऊंगा। रिश्वत देने लायक रहेगा तो रिश्वत देगा ना, तेरी आगे की जिंदगी जेल के अंधेरे कोने में गुजरने वाली है। बोल, क्यों मारा रक्षंदा को? रक्षंदा? कौन रक्षंदा सर? वही लड़की जिसे तुमने अपने पास वाले हर्षा चॉकलेट फैक्ट्री के मिक्सर में डुबो के मारा। आप क्या बात कर रहे हैं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ मत बोलो, सिर्फ रक्षंदा को ही नहीं, इंदु को भी मारा है। लज्जो पे जानलेवा हमला किया वो अलग। लज्जो, इंदु, कसम से सर ये नाम तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। इन लोगों का नाम नहीं सुना तुमने? तो फिर तुम्हारी कंपनी इन लोगों के स्किन कैंसर के इलाज का खर्चा क्यों उठा रही? सर दरअसल मेरी फैक्ट्री से जो कचरा और वेस्ट मटेरियल निकलता है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है सर, उससे आसपास के लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है। तो हम उसी वक्त समझ गए थे जब शांति नगर में 4-4 लोगों को ऐसी बीमारी हो गई थी। तुम्हारी फैक्ट्री के वेस्ट से इतने लोग बीमार हो रहे हैं, ताला कैसे नहीं लगा तुम्हारी फैक्ट्री में अभी तक? सर दरअसल उसके लिए मैं इंस्पेक्शन ऑफिसर का मुंह नोटों से भर देता था और उससे कह रखा था कि मुझे हमेशा क्लीन चिट दे दे। रक्षंदा जरूर इनका सच जान गई थी, इसीलिए इन्होंने उसे मरवा डाला। नहीं सर, वाकई हमने ये खून नहीं किया है सर। आप ही सोचिए अगर हमने ये किया होता तो मरीजों के इलाज के लिए हम अपनी कंपनी का नाम क्यों लिखवाते सर? लज्जो पे हमला करने वाले पकड़े गए। एक्सीलेंट। आप खूनी का नाम बताया उन्होंने? ओह, वो खूनी है। तेरे कातिल बहुत ही चालाक है, इसे पता चल गया होगा कि उन गुंडों ने हमें इसका नाम बता दिया, इसलिए शहर से बाहर की तरफ भागता है। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। और जब सीआईडी मुजरिम के पीछे पड़ती है तो वो शहर से बाहर भागता है। सर कुणाल का फोन हमसे 100 मीटर की दूरी पर है। बस इस गाड़ी में तो नहीं है। सर कुणाल की गाड़ी का नंबर यही है। ये वही गाड़ी तो नहीं? सीआईडी की गाड़ी? कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रही? सर रक्षांदा मेरी असलियत जान चुकी थी कि मैं रिश्वत लेके केमिकल कंपनी को क्लीन चिट देता हूं। अगर वो मेरा भांडा फोड़ देती तो मेरा करियर खत्म हो जाता। सर सब कुछ शुरू से बताओ, कैसे मारा उसे? टायरो केमिकल कंपनी में धीरज नाम का एक लड़का था, वो रक्षांदा को सारी अंदर की खबरें बता देता था। मुझे ये बात पता चली तो मैंने धीरज को धमकी दिया। क्या हुआ? क्या बात कर रहा था वो लड़की से? कौन सी? बाहर वो लड़की से क्या बात कर रहा था तू? कौन सी लड़की साहब? क्यों दिए उसने तुझे पैसे? मुझे नहीं मालूम। तू क्या मारो मत साहब, बताता हूँ साहब। साहब वो टायरो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट दी है मैंने पैसों के बदले में। टायरो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट? तू कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है? पुलिस में डालूं? नहीं नहीं। बताइए क्या सजा मिल सकती है तुझे? नहीं नहीं साहब, पुलिस में मत डालना साहब। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा साहब, पुलिस में मत डालना प्लीज साहब। किसका इंतजार हो रहा है? तुम धीरज का? तुमसे मतलब? धीरज तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी तो मैं हूं। तुम्हें मैंने ही यहाँ बुलाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मिस्टर कुणाल। अपने काम को ईमानदारी से अंजाम देने के बजाय तुम कुछ पैसों के लिए अपना जमीर बेच रहे हो। तुझ जैसे बेवकूफ ईमानदारों की कमी नहीं है इस दुनिया में। मुझे तो गर्व है कि मेरी गिनती तुम जैसे लोगों में शामिल नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं सबके सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। दुनिया के सामने बता दूंगी कि तुम्हारी वजह से मासूम लोग कैंसर से मर रहे हैं। मेरा भांडा तब फोड़ेगी ना जब यहाँ से बच निकलेगी। क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? कुणाल, कुणाल मुझे मार देगा, प्लीज मुझे बचाओ। कुणाल वो मेरी जान ले लेगा, प्लीज मुझे बचा लो। घबराइए मत, मुझे बचा लो, छुप जाइए। मैडम, 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 देखिए मैडम, आप डरिए मत, कुणाल सर चले गए हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ घर। डरिए मत, कुणाल सर चले गए हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलिए। तुम यहाँ, तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगी? कुणाल, नहीं कुणाल, नहीं कुणाल। रक्षांदा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड को कुछ पैसे दिए। जैसे हम उसकी लाश तालाब में फेंकने वाले थे, पुलिस की पेट्रोल वैन वहाँ पे आ गई, तो इसलिए हमने लाश को वहाँ पे फेंक दिया और भाग गए। शर्मानी चाहिए तुम्हें, अपने काले कारनामों पे पर्दा डालने के लिए तुमने एक मासूम लड़की की जान ले ली। इंदू और लज्जो पे हमला क्यों किया तुम? शांति नगर में स्किन कैंसर की बीमारी जंगल में आग की तरफ फैल रही थी, तो तुमने बीमारी की बजाय बीमार लोगों को ही ऊपर पहुंचाना शुरू कर दिया। पैसों की लालच में न जाने कितने मासूम लोगों की जिंदगी खतरे में डाली है तुमने। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।